कैंसर बीमारी से बचाव को लेकर मधुपुर होटल अदिति इनके सभागार में हीरा हॉस्पिटल द्वारा जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुमंत्रा सरकार, डॉक्टर नशीम अख्तर, डॉक्टर यासिर अराफत, डॉक्टर इकबाल अंसारी, डॉक्टर पायल रॉय, डॉक्टर गयाशुद्दीन, नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक, हीना हॉस्पिटल के डायरेक्टर फिरोज अंसारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर कैंसर के जाने माने डॉक्टर सुमंत्रा सरकार के द्वारा उपस्थित लोगों को कैंसर बीमारी की रोकथाम और उनके लक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ऐसे खतरनाक बीमारी से बचाव के उपायों को बताया। उन्होंने कहा, जब मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल देखा, वहाँ 80-90% कैंसर के मरीज बिहार और झारखंड के होते हैं, और जब देखा कि ज़्यादातर मरीज पूरी तरह से कैंसर पीड़ित हो जाते हैं, तब जाकर अपनी उपचार कराने हेतु इतनी दूर मुंबई की तरफ रुख करते हैं। तब तक मरीज पूरी तरह बेबस हो जाते हैं और खर्च करने के बाद भी कामयाब नहीं होते। इसलिए सोचा कि क्यों ना अपने बिहार झारखंड में रहकर लोगों को बेहतर खिदमत दे सकूं और कैंसर का पहला लक्षण होते ही इस बीमारी से निजात दिला सकूं और ऐसे मरीजों को बचा सकूं। यही सोचकर मुंबई छोड़कर अपने बिहार में रहकर ऐसे मरीजों को खिदमत कर रहा हूं। इसी बीच हीना हॉस्पिटल के निदेशक हमारे साथी फिरोज अंसारी से परिचय हुआ और उन्होंने आग्रह किया कि महीने में एक बार हीना हॉस्पिटल मधुपुर में आकर समय दें, ताकि पूरे संथाल परगना के लोगों को ऐसी खतरनाक बीमारी से बचा जा सके। उन्होंने वादा किया कि मधुपुर आता हूं और पहले यहां की हालात से वाकिफ होता हूं। इसके बाद आपको बता सकता हूं कि अगर जनता का सहयोग मिला तो प्रति माह आकर आपके हॉस्पिटल में रहकर लोगों को खिदमत कर सकूं। डॉक्टर सरकार ने कहा कि कैंसर का पहला लक्षण वजन में कमी आना, बुखार, भूख में कमी आना, हड्डियों में दर्द, खांसी या मुंह से खून आना जैसे कई ऐसे लक्षण बताएं। इसके अलावा सभी से अनुरोध किया कि ऐसी बीमारी से बचने के लिए पान पराग, गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान से परहेज करना चाहिए। साथ में कैंसर से बचने व इसके लिए फौरन जांच कराकर अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, तभी हम ऐसे खतरनाक बीमारी को दूर भगा सकते हैं और खतरनाक बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस मौके पर प्रबंधक आफताब आलम, फैजान नासिर, पूर्व प्रमुख सुबल प्रसाद सिंह, हेमंत नारायण सिंह, एन होदा, अरविंद तिवारी, महेंद्र घोष, कन्हैयालाल कन्नू, वार्ड पार्षद सबाना प्रवीण, वार्ड पार्षद खुर्शीदा बानो, सुभाष सिंह, संजय झा, सुशील सिंह, अस्तानंद झा, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद शमशाद और गुड्डू समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रिंस समद ने किया। 5-7 साल पहले जब लोगों को रात में स्वास्थ्य सेवा की जरूरत पड़ती थी तो शायद ही कोई डॉक्टर उठते थे, और कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती थी कि लोगों को डॉक्टरों के आवास में हंगामा तक करना पड़ता था। मेडिकल नहीं खुल रहा है, ये एक बड़ी विडंबना थी शहर के लिए। लेकिन ये क्रांति कब आई? स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति उस वक्त आई जब फिरोज अंसारी ने हेना हॉस्पिटल की स्थापना मधुपुर में रखी और 24/7 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा, 24 घंटे मेडिकल सेवा, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति। लोगों को शायद ही एक आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा भी होता है इस शहर में कि 24 घंटा डॉक्टर और मेडिकल मिलता है, जो बड़े बड़े लोग शहरों में देखते थे। और उसके बाद लगातार ये क्रांति आती गई, कई हॉस्पिटल खुलते गए। आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से मधुपुर हमारा आगे चल रहा है, ये एक उपलब्धि है। और ये जुनून और स्नेह जाता है फिरोज आलम अंसारी को, जिन्होंने ये कर दिखाया है। हम इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में इनके आने के बाद बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना इन्हें करना पड़ा। एक समय ऐसा आया कि लगा हीना हॉस्पिटल बंद हो जाएगा और ऐसी स्थिति पैदा भी हो गई थी। लेकिन मैं भारी हूं डॉक्टर नसीम अख्तर साहब का, जो कलकत्ता से यहां आकर इन्होंने हौसला बढ़ाया फिरोज भाई का और कहा कि किसी भी हाल में हॉस्पिटल बंद नहीं होगा, जिस चीज की जरूरत होगी मैं पूरा करूंगा। और उनके हौसला की वजह से आज ये हॉस्पिटल खड़ा है। ये संक्षिप्त बातें मैं आपको इसलिए, आंधिया गम की चलेगी तो समर जाऊंगा, आंधिया गम की चलेगी तो समर जाऊंगा,
मैं कोई जुल्फ नहीं हूं जो बिखर जाऊंगा। मेरी फितरत में, मेरी तेरी फितरत ने परेशान किया है मुझको, तेरी फितरत ने परेशान किया है मुझको, पर ऐसे ठोकरों से मैं और निकल जाऊंगा। मैं आवाज दे रहा हूं फिरोज अंसारी डायरेक्टर यहां हॉस्पिटल को। नहीं दे पाता हूं लेकिन सच जरूर बोल पाऊंगा और आप लोगों के हौसले की जरूरत है कि आप सब यहाँ पे आए। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके डॉक्टर सुमित्रा सरकार साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी बातों को, हमारे हॉस्पिटल को देख के इन्होंने काफ़ी सालों के बाद यहाँ आने का अपना एक बनाया है कि हम इस हॉस्पिटल का जरूर सेवा देंगे। शुक्रगुजार हूँ। जैसे प्रिंस साहब ने कहा कि मैं करीब 7-2 साल पहले, 6 महीना पहले मैं हॉस्पिटल बंद करने जा रहा था। ये सच है कि डॉक्टर मसीह साहब आए, बोला फिरोज भाई सारे डॉक्टर एक जैसे निकलते हैं, मैं आपको मैं कभी ये बंद नहीं होने दूंगा। और आज अगर हॉस्पिटल मैंने चालू रखा है तो हमारे डॉक्टर मसीह साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया भाइयों, हमारे दीदी सब भी आई हुई हैं, हमारे प्रैक्टिशनर सब आए हुए हैं, मेरे खास खास दोस्त आए हुए हैं, और अगर कोई छूट भी गया तो मैं उसका भी बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और खास करके मेरे डॉक्टर, मेरे चाचा साहब आए हुए हैं डॉक्टर मजीद साहब, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरे यहाँ मधुपुर में 2 साल अब मेरे भी करीब होने जा रहे हैं, इस बीच में हमारे कितने सारे उतार चढ़ाव आते रहे हमारे इस मधुपुर में और खास तौर से हमारे हीना हॉस्पिटल के हवाले से, लेकिन अल्लाह का करम है और आप सब लोगों के सहयोग की वजह से हम इसको न रुकने दिए, न बंद होने दिए और कदम पर कदम हम ऊपर ही चढ़ते गए। और आज हमें इस शुभगढ़ी के मौके पे हमें ये दिन भी देखने को मिला कि हमारे बीच इतने बड़े नेशनल लेवल के डॉक्टर साहिबान हमारे इस मधुपुर की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, और ये सब आप लोगों के सहयोग की वजह से ही है। और फिरोज साहब की अंथक कोशिशों के बावजूद और इनका जो है बगैर इस लालच के कि मुझे हॉस्पिटल से क्या मिल रहा है, जहाँ तक मैंने देखा है तो इनका ज्यादातर तवज्जो इस पे लगा रहता है कि मैं मधुपुर को क्या दे रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि उनके इस खुलूस की वजह से इंशाल्लाह वो दिन भी देखने को मिलेगा जब मधुपुर भी इनको कुछ वापस में दे देगा, लेकिन इस वक्त इनके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि बगैर किसी लालच के और बगैर किसी इनकम को देखते हुए ये कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इनके कदम ब कदम चलने में हम सबका सहयोग इंशाल्लाह रहेगा, रहा भी है, और आप सबसे भी उम्मीद यही है कि आप भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो काम नहीं कर रहे हैं या उनका हमें ताउन की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जितने चराग होंगे उतनी ज्यादा रोशनी पैदा हो जाती है। जब भी हमारे यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर साहबान यहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं हमारे हॉस्पिटल की वजह से, वहीं पे और भी दूसरे हॉस्पिटल जो है वो हमें देखते हुए और भी 2-2 कदम आगे बढ़ते जाएंगे। और इंशाल्लाह इसका नतीजा यही निकलेगा कि हमारे यहाँ मधुपुर में सबसे बेस्ट इंशाल्लाह मेडिकल फैसिलिटीज पैदा हो जाएंगे। और इसके लिए हम आप सब के आभारी हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी उम्मीद रखते हैं कि आप इसी तरह से अपने सहयोग से हमें नवाजते रहेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारी ये कोशिशें और आप सब लोगों की ये कोशिशें रंग लाई और जल्दी से हमें ये दिन भी मिलने को मिल जाए कि झारखंड में जो है सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र जो है मधुपुर के रूप में सामने आ जाए। मैं तो अपना पूरा कोशिश लगा रहा हूँ कि हॉस्पिटल अच्छे से चले। डॉक्टर ही करने आता है, बोलने नहीं आता, ठीक है। डिपार्टमेंट रन करूं जो कि मधुपुर के लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है।
कई लोगों को नहीं अवेयरनेस है कि व्हाट फिजियोथेरेपी इज ऑल अबाउट, बिकॉज़ दिस इज द ओनली थिंग गोइंग वेरी एडवांस एंड रनिंग वेरी फास्ट. सो आप लोगों की एक हेल्प, एक सपोर्ट चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, जस्ट टू ग्रो अप, जस्ट टू वेक अप. सो कोऑपरेट विद द थिंग्स. फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी चीज है, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज, एक्सरसाइजेस, और जितनी भी अच्छी वर्जिश, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफ, क्वालिटी लाइफ जीने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ही अच्छा चीज़ है. तो आप लोग एक सपोर्ट रखिए, और वो हीना हॉस्पिटल का हमेशा से सपोर्ट है कि मैं अच्छा करूँ. बस हमारे बचा है ये सारी उपलब्धि, और मैं चाहता हूँ मधुपुर नगर परिषद परिवार की ओर से मैं हीना हॉस्पिटल के मालिक हीनो साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मधुपुर की प्रगति में हीना हॉस्पिटल का भी हेल्थ यूनिट में एक अहम भूमिका रहा. किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी गांव का इम्प्लीमेंट केवल सड़क नाली और कुछ बना देने से नहीं होता. बहुत सारे पंख आते हैं, बहुत सारे यूनिट्स आते हैं, तब जाके वो परिपक्व होता है. हमारा मधुपुर आज से 3 साल पूर्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर हम लोग थे, ये हम आप अच्छी भलीभांति जानते हैं. कुछ हॉस्पिटल्स थे तो लगता था कि ये हमारा पेशेंट जो है वो मवेशी खाना में जाके दाखिला ले लिया, चौकी टूटी हुई है, साफ सफाई नहीं है. और ये कि आप आधी बीमारी लेके आए हो, आधी बीमारी उस हॉस्पिटल में मिलके आप पूरी तरह से बीमार हो जाते हैं. हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से हम लोग एक चीज देखते हैं कि हम लोग बीमार हैं. आज हीना हॉस्पिटल में बीमारी का डिफाइन कर दिया है, आप दिमाग से भी बीमार हैं, आप हेड से बीमार हैं, आपको ऑर्थोपेडिक चाहिए, आपको न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, आपको शिशु चिकित्सक चाहिए, आपको तरह तरह की जो बीमारियां हो तमाम यूनिट्स को उन्होंने मधुपुर के लोगों को डिफाइन करके बताया. आज जब हीना हॉस्पिटल आया तो और एक अच्छे हॉस्पिटल आ गया, कंपटीशन हुआ. आज मधुपुर हम गर्व के साथ ये कहना चाहते हैं कि मधुपुर नगर परिषद के विकास में, हेल्थ यूनिट में फिरोज साहब का योगदान हम लोग कतई नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इनके आने से मधुपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र में जो क्रांति आई है, तभी आज मैंने को हॉस्पिटल खुल गए हैं. आज देवघर में भी हमें सुनने को मिलता है, अरे भाई मधुपुर में तो बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल आए. गिरिडीह वाले लोग भी बोलते हैं कि मधुपुर में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल आ गए. और मुझे तो ताज्जुब हुआ कि एक घुटने का ऑपरेशन, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन फिरोज भाई ने बाहर से फॉरेन के लोगों को लाके करा के यहां से भेज दिया. हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे मधुपुर में इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल और विशेष करके हीना हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज है. अब भाई हम लोग एक चर्चा मार्केट में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि हीना हॉस्पिटल थोड़ा कॉस्टली है. हमारी आदत जो है छोटा छाप के पास हम लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, वो क्या करता है हमारा फीस तो नहीं लेता है, वो दवा में इतना पैसा ले लेता है कि फीस की आवश्यकता नहीं पड़ती. तरह तरह जगह से कमीशन इतना खा लेता है, कुछ को पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन हीना हॉस्पिटल में तमाम चीज पारदर्शी तरीके से रख दिया है. हम चाहते हैं हीना हॉस्पिटल और तरीके करे, मधुपुर में और यूनिट्स आए, ताकि बाहर बाहर से लोग जब यहाँ ट्रीटमेंट कराने आएंगे तो सैकड़ों रोजगार का संसाधन खुलेगा. यह हमारे नगर के लिए उपलब्धि है, और हमारे नगर क्षेत्र में और मधुपुर क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों का बहुत बड़ा उपकार है हीना हॉस्पिटल का. क्या हमें दुर्गापुर, भागलपुर या धनबाद वगैरह जो जाते थे, हमारा पहला उपचार यहाँ हो जाता है, सेटिस्फेक्शन है तो अच्छी इलाज हो जाती. नहीं, बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ा था, हमारा सारा डायग्नोसिस हीना हॉस्पिटल ने किया कि लगा इससे बेहतर और हमको करना है. इन्होंने भेज कर मुझे 0 पॉइंट से बैक ला के 100% खड़ा किया है. ये मैं हूँ जो आपके सामने खड़ा हूँ. तो अच्छे डायग्नोसिस भी है, एक अच्छा हॉस्पिटल है जो बुरे वक्त में हमें संभाल सकता है. निश्चित रूप से बहुत कुछ हमें सुनना है, हमारे जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं इनकी सलाह लेनी है, स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहना है, हेल्थ के प्रति जागरूक रहना है. पुनः पूरे नगर परिषद परिवार की ओर से हमारे आए हुए अगंतुक डॉक्टर और हमारे नसीब सर जो बाहर से आए, उनको हम मधुपुर नगर परिषद के परिवार की ओर से और पूरे मधुपुर नागरिक समिति और नागरिकों को
ओर से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपका मधुपुर की धरती आपको स्वागत करती है और हर प्रकार का सहयोग नगर परिषद की ओर से हिना हॉस्पिटल को मिलते आया है। और हिना हॉस्पिटल हो या मधुपुर के किसी भी व्यवसाय क्षेत्र में हो, किसी भी हॉस्पिटल के हो, कठिन परिस्थिति में उनका सहयोग करना नगर परिषद परिवार का दायित्व है, क्योंकि वो है तो हमारा मधुपुर हर चीज से परिपूर्ण है। इसीलिए मैं पूरा फिरोज साहब के साथ साथ इस सभागार में आए उन तमाम लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जवान उन्होंने मुझे बार बार ये तस्करा किया कि एक फिरोज साहब नाम के आदमी हैं जो बिल्कुल स्टेट से नहीं है, उनको मेडिकल से कोई वास्ता नहीं, हेल्थ केयर से, हेल्थ से कोई वास्ता नहीं है, वो एक दूसरे काम में मशगूल हैं और उनका एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल से रिलेशन है। लेकिन उस आदमी ने पता नहीं क्यों एक हॉस्पिटल डाल रखा है, और शायद वो मेरे जहन में ऐसी बात आई है कि वो हॉस्पिटल कुछ कर सकता है। प्रधान भाई आई वुड बी हैप्पी, उन्होंने यही कहा, आई वुड बी हैप्पी इफ यू प्लीज गो फॉर अ डे और टू एंड सी व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन देयर, व्हाट हेल्प। इस साहब की पे कौन नंबर जाया है, खुदा लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। जिस आदमी को मेडिकल का एम से एल तक, हेल्थ केयर का एच से एच तक पता नहीं था, उसने मादर वतन का कर्ज अदा किया और यहाँ इतना बड़ा इंटरव्यू किया। ये मुबारकबाद और आप तमाम लोगों की दुआओं की मुस्ताक है, मेरी बेहतरीन दुआएं इनके साथ हैं कि ये तरक्की करें, फले फूले। एनीवे ये एक मिनट का वक्त आया हुआ, मैं डॉक्टर सुमंत्रा सरकार का इंट्रोडक्शन देने के लिए बुलाया गया हूँ। मेरी ये औकात नहीं है कि इस इतनी बड़ी हस्ती जो आपके सामने बैठी है इनका इंट्रोडक्शन या इनकी पहचान बताऊं। बिल्कुल बिहार से, यूनाइटेड बिहार से, ऑफ कोर्स बाय कल्चर ही इज अ बंगाली बट ही इज अ बिहारी, ही इज अ झारखंडी। जोहार डॉक्टर का। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना सेंट जेवियर स्कूल से शुरू हुई, बड़े आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, दो भाई दोनों डॉक्टर, एक ने ऑर्थोपेडिक में अपना नाम कमाया और दूसरे ने एशिया और वर्ल्ड तक के लेवल में अपना नाम कमाया, वो नाम है डॉक्टर सुमंत्रा सरकार का। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बड़ी तालियों से उनका गड़गड़ाहट से स्वागत करें, कोई वहां मौजूद नहीं है। वहां से निकलने के बाद आप पटना साइंस कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। इत्तेफाक से आपके फादर डॉक्टर सुभाष रंजन सरकार फिजिक्स के पटना यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे और पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, और बाद में आपके पिताजी पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हुए। ये जो एक साइड हुआ पैटर्नल, आपकी मदर माता जी अभी हयात हैं, वो भी एक बहुत नामी प्रोफेसर और पटना वोमेंस कॉलेज में नॉन क्रिश्चियन लेडी का प्रोफेसर होना, ये भी बड़े फख्र की बात है। उस माँ को सलाम जिसने आपको दुनिया में हाथ दिखाई। आपकी मेडिकल लाइन में आने से एमबीबीएस की परीक्षा और पढ़ाई आपने पटना पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज, जो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना था, जाना जाता था, जिसकी पहले वर्ल्ड में एक मुकाम होता था, 1250 वर्ल्ड कॉलेज में उसका मुकाम था, आज कहाँ आया पता नहीं, लेकिन मुकाम था। वहां से आपने अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन पूरी की, वहां से निकल के आप की यात्रा शुरू होती है। आप इलाहाबाद पहुंच गए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, यहाँ से आपने एमएस में उपाधि हासिल की और वहां उन्होंने अपना एक झंडा गाड़ दिया एमएस में, जो आज भी वहां के लोग कहते हैं कि सुमंत्रा तुम इलाहाबाद के बेटे हो, आ जाओ। आप वहां से निकले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे पहुंच गए कैंसर के लिए और बड़ी लंबी जंग लड़ी,
वहां से फिर उनके साथ भी वही हुआ जो फिरोज साहब के साथ हुआ। वतन की मिट्टी ने पुकार दिया और पटना आके कूद गए, अपने सारे करियर इंग्लैंड अमेरिका लंदन सबको छोड़ डाला, सारे ऑफर्स को छोड़ डाला। आप आ गए, महावीर कैंसर संस्थान की स्थापना हो चुकी थी 2000 में आप आ गए और 6 सालों तक कंटिन्यूअस महावीर कैंसर हॉस्पिटल की, जिसमें कहीं से एक रुपया कुछ मिलता नहीं था, बड़ी जबरदस्त सेवा की। 2006 से निकलने के बाद वहां से उन्होंने सोचा कि हम गरीबों तक कैसे पहुंचे। वहां गरीब आता है या कोई पेशेंट आता है, 1-1.5 से 2 महीने दौड़ के मर जाता है, उसके स्टेज में चला जाता, उसका इलाज संभव नहीं हो पाता। नतीजा ये हुआ कि एक छोटी सी कोठरी में, एक छोटी सी जगह में आपने बड़ी हिम्मत का काम किया और अपने जेब के पैसे लगा के वहां से शुरुआत की। और आज ये वही डॉक्टर सुमंत्रा सरकार हैं जिनके सर पर एक सेहरा है, वो सेहरा हिंदुस्तान के किसी और को सर्जन के सर पे नहीं है। हाईएस्ट नंबर ऑफ कमांडो, द मोस्ट डिफिकल्ट सर्जरी ऑफ 4 and 5 hours, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ कमांडो सर्जरी करने का सेहरा डॉक्टर सुमंत्रा सरकार को जाता है। मैं एक बार आपसे ये कहता हूँ, मधुपुर की तरफ से जहाँ मैं सैकड़ों मरतबा आया हूँ, जो मैं पहले इस कंपनी में था और जिंदगी और सवेरिया कवर किया करता था, कि कैसे फिरोज साहब वहाँ तक पहुँचे और हम लोगों को यहाँ तक लाए, आपसे मुलाकात हुई, आपके भी डॉक्टर सुमंत्रा सरकार हैं। मैं अपनी बातों से बीच में नहीं आऊँगा, वक्त का भी मामला है। और मैं आपसे एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि आपके बीच एक ऐसी हस्ती है, आप चाहेंगे एक आवाज से, ये मेरा ये कहना है, अब मैं हिना हॉस्पिटल का हूँ, मुझे कहने में फख्र हो रहा है हिना हॉस्पिटल की तरफ से और आपके तरफ से, मैं चाहूंगा एक आवाज में एक बात आए कि सर इस महीने में एक दिन अपना, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो ओपीडी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हिना हॉस्पिटल को दें, इससे उनके बाद की जो नस्ल है डॉक्टर के, वो वहां तक मोटिवेशन में आएगी। और उनके लिए एक चीज बड़ी जरूरी थी, ये सीखी नहीं है फैजान भाई यहाँ क्या करेंगे। आपके कल हमारे आता भाई से बात हुई है और पहले फिरोज साहब से बात हुई थी, मैं ऑन द बिहाफ ऑफ हिना हॉस्पिटल ये आपको एश्योर करता हूँ सर कि वी विल गेट द सीटी स्कैन एज सून एज पॉसिबल, एंड आई थिंक उस सीटी स्कैन से सिर्फ ऑन्कोलॉजी या कैंसर से को फायदा नहीं है, उससे जनरल पेशेंट्स जो नीडी हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं देवघर, जो यहाँ जा रहे हैं आसनसोल, जो यहाँ से जा रहे हैं 90 किलोमीटर दूर धनबाद, वो वहां नहीं जाएंगे। और एक वक्त में बिहार के लोग यानी दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद और बैंगलोर के हेल्थ केयर का 70% रेवेन्यू अकेला बिहार और झारखंड यूनाइटेड देता था, आज वो रुक के चला आया 30% पे। आज पटना हो या रांची हो, हर चीज का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और सेम अवेलेबल है। और मैं विश करता हूँ कि मधुपुर में भी एक कम से कम 100-150 बेड का, 200 बेड तक का हॉस्पिटल फिरोज भाई हिम्मत करें, उसमें हम लोग सब अपना सहयोग और काम कर रहे। इसके साथ मैं दिलीप भाई को और आप एक आवाज में एक बात कह, मैं कहूंगा कैंसर से डरना नहीं है, आप कहेंगे कैंसर से लड़ना है। बड़ा मेहरबानी हर आदमी कही कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है, ये स्लोगन है डॉक्टर सुमंत्रा सरकार का। इसके साथ और उससे भी ज्यादा खुश हूँ कि आप लोग इतने बड़े तादाद में आए हैं मेरी बातें सुनने, और मुझे उम्मीद है कि मेरी कुछ ना कुछ जहन में बात ऐसी आएगी जिससे आप अपने समाज में, अपने बंधुओं के बीच में, अपने लोगों के बीच में बांटेंगे तो पूरे समाज को कुछ अच्छी बातें पहुंचेंगी। फिरोज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे हिना हॉस्पिटल का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने, उन्होंने हमें ये मौका दिया मधुपुर में आके मैं आप लोगों से मिलूँ, आप लोगों से कुछ बातें करूँ, वो भी कैंसर के बारे में।
कैंसर का बहुत सारा बात जो है वो जानकारी से गैर जानकारी हो जाता है, जिसको कहते हैं मिसकॉन्सेप्शन या गलतफहमी। कैंसर के बातों में गलतफहमी ज्यादा, गलत बयानी ज्यादा और गलत न्यूज ज्यादा फैलता है। मेरे आने का मकसद दो है, आप लोगों से मिलना बड़ी खुशी की बात, उसके साथ साथ एक और मकसद है जो है कि आज से 20-25 साल पहले जब मैं मुंबई में थोड़ा बहुत काम करता था टीएमएच में, तो यकीन मानिए 70% पेशेंट बिहार और यूपी के होते थे और आज भी हैं। और ये पेशेंट जो आते थे वो इस उम्मीद के साथ आते थे कि टीएमएच मुंबई में पहुंचने के बाद उनकी सारी दुख दर्द खत्म हो जाएगी और वो ठीक होकर अपने घर को लौट जाए। लेकिन बात ऐसी होती नहीं थी, होता ये था कि उसमें से 80% या 90% पेशेंट, 100 में से 90% पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता और उनको घर भेज दिया जाता। इसका कारण आपको पता है, बस एक कारण है, ये सारे मरीज जो आते थे इतनी दूर दूर से इतनी बड़ी उम्मीदों लेके, वो सारे बहुत ही एडवांस कैंसर के मरीज होते थे, कैंसर के लास्ट स्टेज के मरीज होते थे, कैंसर के अंतिम पायदान में खड़े हुए मरीज होते थे, जिनका ट्रीटमेंट पूरे विश्व में कहीं नहीं संभव होता। तब मैंने सोचा ये लोग इतने दूर से आते हैं इस उम्मीद से और यहाँ आके नाकामी मिलती है मैक्सिमम लोगों, इसका सलूशन मुंबई में बैठ के तो नहीं हो सकता। जब मैं पटना लौटा और अपना काम शुरू किया, यहाँ भी वही परेशानी, सारे पेशेंट जो हमारे आते थे वो पेशेंट एडवांस कैंसर, जिनको हमने कहा कि इसका इलाज संभव नहीं है, आप घर जाए और कुछ दवाई मैं लिखता हूँ उसको आप ले और घर में सेवा करें, बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन तब मैंने समझा कि इसका सलूशन हॉस्पिटल के अंदर बैठ के तो नहीं हो सकता। हॉस्पिटल के अंदर बैठ के हम लोग काम करते रहेंगे, मरीज आते रहेंगे, एडवांस कैंसर के पेशेंट हमसे मिलते रहेंगे जिनका ट्रीटमेंट सफल नहीं होगा और ये मैसेज सोसाइटी में जाएगा कि कैंसर तो ठीक नहीं होता है भाई, जिसको कैंसर हो गया वो ठीक नहीं होता। इसका सलूशन करने के लिए डॉक्टर को हॉस्पिटल छोड़ के समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जाना पड़ेगा, लोगों को अवेयरनेस करना पड़ेगा, लोगों के अंदर ये जागरूकता लानी पड़ेगी कि कैंसर को पहचाने अर्ली स्टेज में, शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर में कैंसर के बारे में जाने, कैंसर को पहचाने और कैंसर के लिए तुरंत उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के पास जाए जबकि वो ट्रीटमेंट करे और कैंसर सफल हो जाए। इतना बड़ा जो गैप था, इस गैप को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल से इलाज करना संभव नहीं है। इसके लिए समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मधुपुर में जहाँ पे आके आप लोगों के बीच इन सब बातों को मैं बताऊंगा, उनको थोड़ा ध्यान से सुने और अपने दोस्तों बंधुओं में, अपने परिवार में इसको बांटे, सो दैट सब लोग इसके बारे में इतना कम से कम समझ लें कि कब हमको डॉक्टर से मिलना है और देर नहीं करना है। बस इसी उम्मीद के साथ मैं आया हूँ, इसी उम्मीद के साथ मैं सब जगह जाके इस बारे में बात करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लोग इसको समझें और आगे बढ़ें। शुरुआती बात पर चलते हैं, कैंसर क्या है। कैंसर क्या है समझने के लिए कोई मेडिकल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो तीन छोटी छोटी बातें सारे डॉक्टर्स को पता है, बट ये प्रोग्राम डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये आप हम लोगों को कैंसर के बारे में हमको बताना है। कैंसर
एक बीमारी है जो कि दूसरी बीमारी के तरह ही होता है। कैंसर कैसे होता है ये जानने की इच्छा सब में हो। कैंसर एक और बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, एक एक सेल, एक छोटी छोटी यूनिट, एक छोटा छोटा घर, एक छोटा छोटा रूम, जिससे पूरा शरीर बनता है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों सेल बॉडी के अंदर होते हैं, उस सेल में ऐसा कुछ खराबी आ जाता है कि वो नॉर्मल सेल जो आपके अंदर, हमारे अंदर, सब लोगों के अंदर मौजूद है, वो परिवर्तित होकर कैंसर सेल में बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है, नॉर्मल सेल कैंसर में बदल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है? देखिए, सेल जो है बॉडी के अंदर हजारों अरबों सेल हैं, ये सेल अपने से एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, ऐसे डिवाइड करते जाते हैं, एक से दो बढ़ते जाते हैं। ये बॉडी के अंदर हर समय हो रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, भाषण सुन रहे हैं, आपके अंदर ऐसा काम होते जा रहा है हर सेल का, और जितने साल आप जिएंगे सब समय तक ये सेल ये काम होते जाएगा। कुछ सेल बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, कुछ सेल देर से डिवाइड करते हैं, कुछ स्लो डिवाइड करते हैं, कुछ तेज डिवाइड करते हैं, लेकिन ये सेल जो डिवाइड करते हैं ये निरंतर चलते रहता है जब तक जीवन है। अब समझिए कि ये एक प्रक्रिया है। हम लोग सुबह से उठ के शाम तक काम करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। इस सुबह से शाम तक काम करने में कुछ गलतियां होती हैं, हर जगह गलतियां होती हैं, काम के वक्त के बाद, घर आके, घर जाने से पहले रोड पर, तो उस गलतियों को हम सुधार लेते हैं, और सुधार लेते हैं फिर हम जीवनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये सुधार पर्याप्त नहीं होता। तब क्या होता है, एक एक्सीडेंट होता है, एक ऐसा स्थिति होता है जबकि हम परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं रोड पर हमको बाएं तरफ गाड़ी चलाना चाहिए, इंडिया में लेफ्ट है, बाएं तरफ से गाड़ी चलाना चाहिए। अचानक हमारे मन में कुछ ऐसा हुआ कि हम दाहिने से गाड़ी चलाने लगे, फिर क्या होगा? कई बार तो बच सकते हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे, कभी ना कभी एक्सीडेंट हो ही जाएगा। ये एक्सीडेंट जानबूझ के कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये सेल जो है ये इस तरह से बदलाव हो गया, उस सेल के अंदर कुछ ऐसी बातें हो गई जिसको कि करेक्शन आपने नहीं कर पाया, बॉडी ने नहीं कर पाया, और जो नॉर्मल सेल है वो बदल के एक कैंसर सेल में परिवर्तित हो गया। फिर से समझें, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने एक गाड़ी है, हम लोगों को एक्सीलेटर पे से पैर हटा लेना चाहिए। अगर हम लोग एक्सीलेटर पे पैर दबाए रखेंगे तो क्या होगा, आगे गाड़ी में जाके टकरा जाए। तो ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर, या हम जा रहे हैं गाड़ी से, सामने गाड़ी है, हमने ब्रेक नहीं दबाया, फिर वही, तो ये जो बिहेवियर है इससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो बॉडी के अंदर का आप ही का एक सेल जो कि परिवर्तित हो चुका है नॉर्मल से अबनॉर्मल में, आप ही का पार्ट है, आप ही के अंदर है, वो नॉर्मल सेल से अलग बिहेव करने लगता है, उसी को कैंसर कहते हैं। यही सेल जो आपके अंदर है जो अबनॉर्मल नहीं रहा, बॉडी के अंदर ही है वो, लेकिन उसका बिहेवियर बदल गया, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, कहीं कहीं एक्सीडेंट कर रहा है, ये एक कैंसर सेल की पहचान। कैंसर सेल का दूसरा पहचान, ये एक ऑटोनोमस या बेलगाम या किसी के कंट्रोल में नहीं, या किसी के वो गाइड नहीं होता है, ये एक सेल जो है कैंसर सेल ये किसी के बस में नहीं है। जैसे यहाँ लाइट है, स्विच है, फैन है, हमने स्विच दबाया, लाइट जल गया, स्विच ऑफ कर दिया, लाइट बुझ गया, सब लोग जानते हैं। अगर ऐसा हो कि हमने स्विच ऑफ किया, लाइट नहीं बुझा, तब ये एबनॉर्मल हो गया, यही स्विच है, यही बल्ब है, लेकिन कुछ खराबी आ गई तो स्विच के ऑफ करने के बाद भी लाइट जल रहा है,
तो हमने क्या किया, बाहर जाके जो एनसीपी है उसको ऑफ कर दिया, रूम की सारी लाइट बुझ गई, लेकिन वो लाइट नहीं बुझा, क्योंकि वो लाइट जो है वो दूसरे जगह से एनर्जी दे रहा है। जो कैंसर सेल है वो आप ही के बॉडी में, आप ही के बॉडी से एनर्जी ले रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको कमजोर करता जा रहा है और वो अपने आप बढ़ते जा रहा है। फिर आपने क्या किया, आपने नीचे जाके मेन स्विच ऑफ कर दिया, सारी बिल्डिंग की लाइट फैन सब बुझ गई, लेकिन वो लाइट जल रहा। तो इस तरह का सेल जो कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी चीज से उसको कोई मतलब नहीं है, जो सिस्टम में चलना है उस सिस्टम के बाहर वो पहुंच गया और वो उस सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा रहा है, उस बॉडी को ही नुकसान पहुंचा रहा है जहां पर वो पैदा हुआ। तो ये है कैंसर का सेल और ये लगातार बढ़ते जाता है, एक से दो, दो से चार, इसी तरह से बढ़ता है, 16 से 32 से 128, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। यही है कैंसर का फैलाव। फिर मैंने शुरू में बताया था कि सब लोग एडवांस हमारे पास पहुंच चुके हैं। एडवांस का मतलब क्या है? एडवांस का मतलब ये है कि अगर आप शुरुआत जब 1 से 4, 4 से 16 हो रहे हैं, तब अगर आप उस बीमारी का डिटेक्शन कर लें, तब जो इलाज करेंगे वो सक्सेसफुल हो। लेकिन जब वो करोड़ों करोड़ों अरबों में फैल गया, सारे बॉडी में फैल गया, तब उसका इलाज करना किसी के लिए भी संभव नहीं, वो पूरे शरीर को ही खत्म कर चुका है। तो मेरे आने का पहला मकसद ये है कि कैंसर के बारे में जानें और कैंसर को शुरुआत में डिटेक्ट करें और बाद उसी वक्त उसका इलाज करें, इलाज करके उसको उसी वक्त सफल बनाएं। ऐसे तो हजारों तरह के कैंसर एक बीमारी नहीं है, हजारों तरह के कैंसर होते हैं, लेकिन वो मेन दो टाइप के कैंसर होते हैं, एक सॉलिड कैंसर और एक ब्लड कैंसर। खून का कैंसर जिसमें कि हजारों लाखों कोशिकाएं हैं, सेल हैं, उसका एक अलग कैंसर होता है, और एक सॉलिड ट्यूमर का कैंसर जो कि गांठ बना देता है बॉडी के अंदर। तो ये मोटा मोटी दो भाग में हम लोग बांट लें, सॉलिड कैंसर और ब्लड कैंसर। अब कैंसर का जो डिटेक्शन है, कैंसर का जो वर्कअप है, कैंसर किसी को है या नहीं है, इसके लिए कुछ जांचें करनी पड़ती है। ये क्या क्या जांचें हैं? इसके जांचों के ऊपर ही कैंसर डिटेक्ट होता है और कैंसर का इलाज उन्हीं जांचों के द्वारा हम आगे सफल कर सकते हैं। तो कैंसर का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जांच है, उसका नाम है बायोप्सी। इस बायोप्सी में कैंसर के गांठ से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया जाता है और उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है। इसमें वो सेल डिटेक्ट हो जाता है, वो सेल पकड़ा जाता है जो कि एबनॉर्मल है, आप ही के बॉडी का वो सेल जो कैंसर में परिवर्तित हो गया है, उसको हम लोग पकड़ लेते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो ये बायोप्सी से ही संभव होता है कि हम कैंसर का फाइनल डायग्नोसिस करें। हजारों आदमी से आप सुने होंगे कैंसर में छूट नहीं लगना चाहिए, ये बहुत प्रचलित है, आपने भी सुना ही होगा, आप लोगों ने सुना है ना ये बात। तो मैं आज आपके सामने बता दूं कि ये बिल्कुल सरेआम गलत बात है, ये बिल्कुल 100% गलत बात है। कैंसर का डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले उसको एक टुकड़ा निकाल के जांच में भेजना है, और अगर वो एक बीमारी एक जगह है तब उसका ऑपरेशन होगा और वो बीमारी ठीक हो सकता है, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो बायोप्सी सबसे पहला जांच, और दूसरा जांच है इसके बाद जो जांच होता है वो है इमेजिंग। इमेजिंग मतलब अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और भी आगे बहुत सारे जाँचें हैं। तो इस तरह के जाँचें करने से हम लोगों को पता चलता है कि कैंसर का फैलाव कितना। कैंसर तो हमने देख लिया उस जगह में बायोप्सी करके, उसको पता लगा लिया, कंफर्म कर लिया, लेकिन अब वो कैंसर कहाँ कहाँ बॉडी में फैल गया है, इसी से आपका पता लगेगा कि कैंसर का स्टेज क्या है। स्टेज मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला स्टेज में आएगा तो ट्रीटमेंट सफल होगा, चौथा में पहुंचेगा तो ट्रीटमेंट सफल नहीं होगा। एकदम सीधे सी बात है, इसको समझ लीजिए। आपको पकड़ना है कैंसर को पहले दूसरे स्टेज में,
तभी आपका ट्रीटमेंट सफल होगा। अगर आप लेट करें, कैंसर तो रोज बढ़ते जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। आप स्टेज फोर में पहुंच जाएंगे, फिर आप घूमते रहेंगे दिल्ली, पटना, मुंबई, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं पर ये नहीं। तीसरा जो मोडालिटी है, तीसरा जो तरीका है कैंसर में इलाज का, वो है कीमोथेरेपी। ये पिछले 20-30 साल में कीमोथेरेपी उभर कर आया है बहुत ज़्यादा, और इससे कैंसर की सेल को दवा के जरिए, जो कि नस में चढ़ता है ज़्यादातर, दवा के जरिए उसको ख़त्म किया जाता है। तो दवा हम लोग तब देते हैं जब हम लोग को देखा जाता है कि कैंसर फैल गया, कि ऑपरेशन के और रेडिएशन के लायक नहीं है, तब हम लोग उसको कीमोथेरेपी देते हैं, या और किसी वक्त कीमोथेरेपी देते हैं जबकि देखा गया कि कैंसर अभी ऑपरेशन के लायक नहीं है। कीमोथेरेपी हमने दिया तो कैंसर 5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो छोटा होने की प्रक्रिया है, ये कीमोथेरेपी से संभव हो जाता है। और जब छोटा हो गया तो ऑपरेशन भी आसान हो गया, जब बड़ा था तो ऑपरेशन भी दिक्कत वाली बस। तो बेसिकली ये 3 तरीकों से हम लोग कैंसर के इलाज करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं वो मैं अभी नहीं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन इतना अगर आप समझ लें कि अगर एक जगह कैंसर है तो ऑपरेशन और रेडिएशन, अगर फैल गया तो कीमोथेरेपी, समझना है। इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि आप नहीं जानते। बात क्या है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। पहला, शरीर के किसी भी अंग में असामान्य सूजन या कड़वापन, जिसको हम लोग गांठ भी कहते हैं आमतौर पर, और ये गांठ कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा दिन में बढ़ते जा रहा है। आज अगर 4 सेंटीमीटर का है तो 2 महीना बाद 4.5 सेंटीमीटर का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। उसमें शायद दर्द नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उस गांठ में दर्द नहीं है। तो लोग समझते हैं कि तो कुछ बात नहीं है, ऐसे ही गांठ है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त जो छोटा है, 5 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, आपको करना है उसमें से बायोप्सी। बायोप्सी करके देखना है उसमें कैंसर का अंश है या नहीं। अगर है तो तुरंत उसका ऑपरेशन संभव है, निकल जाएगा बीमारी। उसको छोड़ दीजिएगा तो आज 5 सेंटीमीटर है, कल 20 सेंटीमीटर, 1 साल के बाद 20 सेंटीमीटर लाके आप घूमिएगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइएगा, 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च कीजिएगा, लेकिन ठीक नहीं होता। दूसरा है तिल या मस्से के आकार या रंग में परिवर्तन। हजारों लोगों को तिल होते हैं, सारी जिंदगी तिल रहती है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन किसी भी तिल में या गांठ में अगर अचानक उसका साइज बढ़ गया या उसका कलर चेंज हो गया, कलर अगर चेंज हो गया या गांठ उसका साइज बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तुरंत डॉक्टर से मिले। नाक भरने वाला घाव, ये एक जनरल बात है, ना भरने वाला घाव और भी बीमारियों में होती है, डायबिटीज वगैरह में बहुत सारी घाव होती है, नहीं बनती है, बहुत सारी नीलों के घाव होती है जो नहीं बनती है, लेकिन आमतौर पर ना भरने वाला घाव कैंसर भी हो सकता है। उसकी जाँच जरूर करें, उसको छोड़े नहीं, उसको ऐसे ही डाल नहीं दे। लगातार बुखार या वजन की कमी, लगातार बुखार या वजन की कमी को बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं करें, और टैबलेट पैरासीटामोल खा के उसको रोके नहीं। अगर 21 दिन से ज़्यादा, 3 हफ्ते से ज़्यादा किसी को बुखार है तो ज़रूर किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से मिलें और सारी जांच कराएं। मूत्र या शौच में रक्त प्रवाह, ये भी बहुत कॉमन है, बहुत लोगों का शौच में ब्लड आता है, खून आती है, बवासीर का इलाज चलता है, एक बार ऑपरेशन होता है, दूसरा 3 बार ऑपरेशन होता है, बवासीर ठीक नहीं होता है, फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो पता लगाता है कि इसमें तो कैंसर का बीमारी है। स्तन में सूजन या कड़वापन या खिंचाव, फिर
इसमें भी वही बात है कि ये गांठ जरूर है लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं होता है। छाती के गांठ में अगर दर्द नहीं होता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर दर्द होता है तो तुरंत पेशेंट आ जाता है डॉक्टर के पास, मेरे को छाती में दर्द हो रहा है। जिस गांठ में दर्द नहीं हो रहा है उस गांठ को जरूर दिखवाए डॉक्टर से। 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक मुंह या जीभ में घाव, मैं आपको इसकी फोटो दिखाऊंगा, और ऐसे लोग जो कि इस छोटे घाव को नजरअंदाज किए और उसके बाद उनका क्या हाल, खांसी या आवाज का कर्कश होना, जो स्वर पेटी है उसके बीच में कोई गांठ हो जाए ये तो दूरबीन से दिखता है लेकिन आवाज में जो बदलाव होता है उस गांठ के चलते होता है। उस तरह के आवाज के बदलाव को या लगातार खांसी को जो कि 3 हफ्ते से ज्यादा है जरूर किसी डॉक्टर से संपर्क मिलें और उसकी जांच कराएं। तो ये 3-7-8 कारण हैं, 7-8 लक्षण हैं जिसको जरूर देखें समझें और डॉक्टर से मिलें। अगर 3 हफ्ते से ज्यादा है, 3 हफ्ते का टाइम है, 3 हफ्ते से ज्यादा अगर ये सब कोई लक्षण आपको दिख रहा है तो डॉक्टर से मिलें, उसकी जांच कराएं, उसको छोड़े दें। देखो बड़ा सा गांठ है ये, इसको जो भी साहब थे 15 साल से इसको पाल के रखे थे और उनका था कि इसमें कोई ऐसा बीमारी नहीं है लेकिन इसको हम लोगों ने ऑपरेशन किया तो ये गांठ निकल गया और उसमें एक खास तरह का कैंसर होता है उसका लक्षण मिला। तो फिर हम लोगों को उस पर सिकाई बिजली का सेव करना पड़ा। ये एक जीभ का छोटा सा गांठ बहुत लोगों को रखता है जबान पे, ये एक जीभ का ही बीमारी है लेकिन जीभ और दांत के बीच में ये गांठ है और ये गांठ कैंसर का गांठ है। ये जो सफेद रंग का गांठ दिख रहा है ये कैंसर का गांठ है, जीभ को इधर पलट दिया गया है। इस तरह के गांठ अगर देखें समझे सोचे देखें किसी के पास तो जरूर डॉक्टर से मिले और इसकी बायोप्सी कराएं। अगर उसी तरह की बीमारी आगे बढ़े, ये जो है इनके बारे में मैं बताना चाह रहा था। ये एक सफेद रंग का घाव यहाँ दिखा है इसके पहले वाले फोटो में कि ऑपरेशन ठीक हो जाता है, हमने बोला थी ऑपरेशन करा लीजिए, उन्होंने नहीं किया, उनका बीमारी यहाँ बढ़ गया, हमने फिर बोला ऑपरेशन करा लीजिए, उन्होंने नहीं किया, उनका बीमारी ये हो गया, गले गाल में घाव हो गया, अब ये स्टेज 4 हो गया। जब आए थे तो शुरुआत में स्टेज 1 में थे, अपना इलाज कराते रहे कहीं और कुछ करते रहे और इस स्थिति में पहुंचे। अब ये स्टेज 4 में वो चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएं, हर आदमी की ख्वाहिश होगी लेकिन मैं आपको समझा चुका हूं कि कैंसर जो है शुरुआत में ही उसका इलाज शुरू होता है, तो आप लोग उसको शुरुआत में ही पकड़ें और शुरुआत में ही इलाज करें। अगर ये आंख की घाव ये बाल ये कान और पूरा चेहरे पे ही ये गांठ है, दिख रहा है आप लोग को, क्लियर है नहीं ठीक है ये पहुंचे तो इनका तो ऑपरेशन संभव नहीं था, मैं बताया आपको स्टेज 4 में, तो इनको हम लोगों ने कीमोथेरेपी दिया। कीमोथेरेपी मैं बताया कैंसर की दवा जो नर्स ने दिया है। अगर तो कीमोथेरेपी के बाद इनका घाव ऐसा छोटा हो गया और कीमोथेरेपी दिया अब ये और छोटा हो गया, अब इनका नहीं पिछले वर्ग आराम से तो
दोनों में गांठ है, ये वसादानी है, तो ये बीमारी भी स्टेज 3 अंडाशय के कैंसर का है। इनको भी ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी चला अगला ये इतना बड़ा ट्यूमर निकला है दोनों साइड का ट्यूमर है राइट और लेफ्ट। अब आइए अंतिम जो एक हम लोग बात करना चाहते हैं पित्त का थैली में। पित्त का थैली में पथरी आप लोग सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई भी यहाँ मौजूद नहीं होगा जो कि पित्त के थैली में पथरी की बात नहीं जानता हो। इनका जज्बा देख करके और हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन, एक नॉन मेडिकल आदमी अगर इतना कोशिश करके एक हॉस्पिटल मधुपुर में बनाता है तो हमको लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए मधुपुर में आकर के। यहाँ पे यहाँ के लोगों को जो है निम्नों का सुविधा जो है जो नहीं मिल रहा था वो देने का कोशिश करना चाहिए। इनके कहने पे आया और यहाँ पे अपना जितना हो सकता था उतना करने का कोशिश किया। अभी इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आगे हॉस्पिटल को थोड़ा और बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए डॉक्टर सरकार को पटना से यहाँ लाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पे वो आकर के चैम्बर पर रहें, जो ऑपरेशन यहाँ पे हो सके। पर ऑपरेशन अभी फिलहाल मधुपुर में हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है न्यूरो कैंसर ये ऑपरेशन के लिए। जैसा कि बताया कि अभी हमारे पास सीटी स्कैन ही अवेलेबल नहीं है, था हमारे पास लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि सीटी स्कैन आ जाए, हो जाएगा तो फिर एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग कुछ और केसेस करने की तरफ। कहना यही है कि जो मेहनत हीरोज भाई कर रहे हैं मधुपुर के लिए वो मेहनत जो है 3 साल से मैं देख रहा हूँ, शायद हमको उस तरह से नहीं दिख रहा है कि यहाँ के लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ के लिए है। अभी भी लोग मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको ज़रूरत है इलाज का वो शहर की तरफ जाते हैं, या तो वेलोर जाना चाहते हैं या कलकत्ता जाना चाहते हैं। यहाँ तक के लोग आसनसोल दुर्गापुर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकली जो अवेलेबल है उनके ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं है या क्या, लेकिन नहीं लेना चाहते। तो अगर जब तक आप अपने को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी जगह को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे या आप अपनी जगह को डेवलप नहीं कर सकेंगे। आप लोग को चाहिए कि दूसरा जो डॉक्टर अगर कल को डॉक्टर सरकार अगर आ रहे हैं यहाँ मधुपुर में और इलाज आपको सेवा दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि डॉक्टर सरकार बेकार है, डॉक्टर नसीम अख्तर बेकार है। क्या वो वहाँ से क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? वो चाह रहे हैं कि आपके लिए कुछ करें कुछ। सब लोग पैसे के लिए ही उनका काम नहीं करते, कुछ लोग जो है सेवा के भाव से भी काम करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बॉम्बे में वेलफेयर करते, ये बाहर चले जाते, ये करोड़ों कमा सकते थे, ये वापस पटना जाने का ही तो कोई ये नहीं था। लेकिन एक जगह पे लोग रहते हैं जगह के हैं वहाँ पर कुछ देना चाहते हैं, इसके लिए मतलब मकसद से जाते हैं। तो इनका ये एक सेवा का भाव है कि ये सोचते हैं कि चलो पटना में कर रहे हैं तो ये जा करके मधुपुर में भी करें। लेकिन यहाँ के लोग का हो सकता है ऐसा मेंटेलिटी, कुछ लोगों को मैं मिला भी हूँ ऐसा यहाँ ये 3 साल में, जिनका मेंटेलिटी वो अगर सरकार आ रहे थे मतलब इनको पटना में कोई काम नहीं है इसके लिए अभी मधुपुर में आ रहे, वो चलो वापस हम लोग जा करके कलकत्ता में दिखाएंगे या तो वेलोर में। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पे स्पाइन करता हूँ और ट्रेन करता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो लोग को मैं बोला हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत सारा स्पाइनर ट्रेन कर चुका हूँ यहीं पे करूँगा, लेकिन वो बोलते नहीं नहीं मैं जाकर के कलकत्ता में कराऊँगा। क्यों कराऊँगा मालूम नहीं, करूँगा हो सकता नहीं। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट गए हैं जो मैं आमरी से अटैच हूँ कलकत्ता में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मधुपुर से जा कर के मोर देन डबल कॉस्ट दे करके वो आमरी में ऑपरेशन हो रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं। तो ये चीज़ जो है यहाँ के लोग को ही सपोर्ट करना पड़ेगा कि कुछ अच्छे डॉक्टर आने के लिए। आप जब तक आपके तरफ से मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो यहाँ करके वो सेवा नहीं दे सकते। तो अगर मतलब इतना तो भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ जो लोग आ रहे हैं वो कुछ आपको आपके तरफ मतलब अपना सेवा देने के लिए या यहाँ के लोगों को वो सुविधा प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। ये चीज़ है जो लास्ट 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे वो इस डर से हो कि हिना में बहुत ज़्यादा बिल हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि हिना में जो बिल होता है होता है ना उससे मोर देन लेस देन
40% कॉस्ट जो है जितना हिना में होता है और उसका 2-3 गुण ज्यादा में कैपिटल में होता है, लेकिन वहाँ जाके लोग कराते हैं और चुपचाप कराते हैं, यहाँ पे नहीं कराना चाहते। हम ये कहना चाहेंगे कि लोग सपोर्ट करें हिना हॉस्पिटल को। आज डॉक्टर सरकार आए और भी कुछ अच्छे डॉक्टर आने के मतलब हम लोग लाने का कोशिश करेंगे, और उम्मीद यही है कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जैसा कि बोल रहे थे डॉक्टर फिरोज भाई के 7-2 साल पहले एक फील्डिंग आया था कि बंद कर दें, हम नहीं चाहेंगे कि ये फील्डिंग दोबारा मतलब आए। अगर ये आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हिना हॉस्पिटल इंशाल्लाह और भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को ला के आप बीजे शेड्यूल से उन्होंने एक दिन मधुपुर के लिए दिया। मैं तमाम मधुपुर वासियों की ओर से फिर से इतना शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे डॉक्टर नसीम सर आए और आप सभी गेस्ट जो अलग अलग जगहों से आए हमारे बीच, आपने कीमती वक्त निकाल कर दे, मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोग आए और इतनी अच्छी जानकारी लेकर हमारे बीच से जा रहे हैं। और इस जागरूकता को हम लोग को समाज में फैलाना है, अपने गेट से सभी लोगों को बताना है कि आप इलाज जितने जल्दी हो सके शुरू करें अगर कुछ ऐसे जैसे दिखाई पड़ रहे हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से सभी लोगों का जो आए हमारे समाज। मधुस्थल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के सलैया में अवस्थित है, जिसमें DMLT, DOT, DX-ray तथा ED की पढ़ाई द्वारा सरकारी और गैर सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन जारी है।